हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टीचर्स क्लास। आज हम क्लास 4 की इंग्लिश में प्रैक्टिस वर्कशीट्स करेंगे जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि सभी की एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो CBSE, ICSE, NCERT और ओलंपियाड के क्वेश्चन पर बेस्ड है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आप ऐसे एग्जाम्स भी इजीली क्लियर कर पाएं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। मतलब जो क्वेश्चन में जो वर्ब्स दिया हुआ है उसके प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म से ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है ये तो मैंने पहले भी बताया है, जो एक्शन अभी भी जो चल रहा है, दे आर ऑलरेडी इन प्रोग्रेस वाइल वी आर स्पीकिंग अबाउट देम। मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो अभी भी हो रहा है। सच एज मतलब कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको, जैसे रीना इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। रितु इज प्लेइंग फुटबॉल, रितु फुटबॉल खेल रही है, मतलब जो हो रहा है प्रेजेंट में। तो ये बहुत ईजी है। Now let's do this। इसमें verb का ing form लगता है, जैसे move का moving हो गया, walk का walking हो गया, play का playing हो गया। Understand? First one, the girl is dash in bracket stand। verb क्या है? Stand in a queue। तो line में खड़ी है, तो क्या होगा यहाँ पे? The girl is standing in a queue। ing form लग गया verb का। सेकेंड वन, माई ब्रदर इज डैश इन ब्रैकेट रिपेयर हिज बाईसाइकल। माई ब्रदर इज रिपेयरिंग हिज बाईसाइकल। थर्ड वन, मिंटू इज डैश इन ब्रैकेट वर्ब इज प्ले इन द पार्क। मिंटू इज प्लेइंग इन द पार्क। फोर्थ वन, The gardener is dash in bracket water the plants. The gardener is watering the plants. Fifth one, many people are dash in bracket travel in the train. Many people are traveling in the train. Sixth one, we are dash organize a party. We are organizing a party. Seventh one, I am dash in bracket wear his jeans. I am wearing his jeans. Eighth one, Rina is dash pluck flowers from her garden. Rina is plucking flowers from her garden. Pluck मतलब पता है? तोड़ना, फूल तोड़ना को हम pluck कहते हैं। So understand present continuous tense अच्छे से समझ में आ गया? इसमें कोई doubt नहीं है? और अगर doubt है भी तो मैंने playlist में English grammar के section में इसकी पूरी lesson डाल के रखी है, वहाँ पे जा कर के पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और शॉर्ट्स में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड करके रखे। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीराइट द सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स। मतलब ये जो नीचे सेंटेंसेस हैं इसमें कोई एरर्स हैं जिसे आपको करेक्ट करके सेंटेंसेस को फिर से लिखना है। मैं आपको एक क्लू दे देती हूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड हैं प्रीफिक्स और सफिक्स पर। आपको पता है प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स
वे सिलेबल होते हैं जिसे हम बेस वर्ड या रूट वर्ड जिसे कहते हैं उसके पहले लगाते हैं। इट इज अ सिलेबल दैट इज पुट इन फ्रंट ऑफ द रूट वर्ड, है ना। और जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, इट इज एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। उसे हम जो रूट वर्ड है उसके एंड में लगाते हैं, उसे हम सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ गलत प्रीफिक्स सफिक्स यूज है, उसे आपको आइडेंटिफाई करना है और वहाँ पे उसी सेंटेंस को रीराइट करना है। सो फर्स्ट वन, इट इज डिसपॉसिबल टू राइट दिस स्टोरी। अब यहाँ पे क्या एरर है, डिस, यहाँ पे डिस प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल टू राइट दिस स्टोरी। सेकेंड वन, द फूड इन दिस रेस्टोरेंट इज टेस्टली। टेस्टली सुना है, ली, नो। तो यहाँ पे कौन सा सफिक्स आएगा, एंड ऑफ द वर्ड में ऐड कर रहे हैं ना। द फूड इन दिस रेस्टोरेंट इज टेस्टलेस। नेक्स्ट, रिया इज डूइंग द टेस्ट क्विकलेस। क्विकलेस इज रॉन्ग, रिया इज डूइंग द टेस्ट क्विकली। फोर्थ वन, यू शुड ऑलवेज केयरली व्हाइल प्लेइंग। एरर इज केयरली, यू शुड ऑलवेज केयरफुल व्हाइल प्लेइंग। समझ में आ रहा है ना। फिफ्थ वन, आई एम ग्रेटलेस टू माई फ्रेंड। ग्रेटलेस कभी होता है, नेवर। सो वाट कैन आई राइट, आई एम ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड। सो अंडरस्टैंड दिस प्रीफिक्स सफिक्स एरर्स। तो इसको आपको पूरी लिस्ट पढ़नी पड़ेगी सफिक्स और प्रीफिक्स की, तब आपको इजीली ये बन जाएगा। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कलेक्टिव नाउन्स। What are collective nouns? Collective nouns means a group of person, animal or thing. उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? Let's do it. First one, a troop of lions. Next, a litter of puppies. A litter of puppies. जो puppy होते हैं ना, dog के young ones. तो उनके ग्रुप को हम लिटर कहते हैं। अ पैक ऑफ वुल्व्स। वुल्व की जो झुंड होती है उसे हम पैक कहते हैं, अ पैक ऑफ वुल्व्स। अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, जो गाने वाले होते हैं ना, जब वो एक साथ होते हैं ग्रुप में तो उसे हम कॉयर कहते हैं, कॉयर ऑफ सिंगर्स। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, पूरे स्टूडेंट्स की क्लास होती है, ये सबको मालूम है। अ क्रू ऑफ सेलर्स, जो बोट सेल करते हैं उनकी पूरी जो ग्रुप होती है उसे हम क्रू कहते हैं, क्रू। एट लास्ट, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स बैठे रहते हैं, पूरी जो झुंड रहती है उसे हम बोर्ड कहते हैं। सो अंडरस्टैंड कलेक्टिव नाउन्स। होप आज की वर्कशीट आपको इजीली समझ में आ गई है। कोई डाउट है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, हमने कलेक्टिव नाउन्स की पूरी एक लेसन ली हुई है, तो वहाँ से आपको कलेक्टिव नाउन्स इजीली आपको याद हो जाएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।